नमस्कार। दीक्षांत समारोह संपन्न हो चुका है। गंगा बहुउद्देशीय सभागार में राज्यपाल आनंदीबेन जा चुकी हैं। डॉक्टर सरिता पांडे हमारे साथ हैं, जो इस कार्यक्रम के सफल संचालन आपने किया है और अपने संचालन के माध्यम से पूरे इस कार्यक्रम को गदगद कर दिया है, चार चांद लगा दिया। ये बात करते हैं डॉक्टर सरिता पांडे जी से, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? जैसा कि आपने बताया, आज का दीक्षांत समारोह सफल रहा और आपने जो कुशल संचालन के लिए धन्यवाद। अच्छा, आज के कार्यक्रम में कितने लोगों को गोल्ड मेडल मिला है? आज के कार्यक्रम में जो अतिथि थे, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ जिन्होंने ये गोल्ड मेडल दिया। सबसे पहले हमारी कुलाधिपति महोदया माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी थी। मुख्य अतिथि थे श्री रामचेत चौधरी जी, जो प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक है। दो विशिष्ट अतिथि थे, विशिष्ट अतिथि श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, एवं रजनी तिवारी जी, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश। आज के दीक्षांत समारोह में टोटल 43 गोल्ड मेडल दिए गए, जिसमें 42 गोल्ड मेडल अपने सब्जेक्ट के टॉपर्स को दिए गए और एक स्टूडेंट है हमारी आयुषी कुमारी सिंह, उसे ओवरऑल टॉप करने के लिए चांसलर मेडल भी दिया गया। आज बड़ा अच्छा एक देखा गया कि राज्यपाल आनंदीबेन के हाथों उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे थे, पुरस्कार पाके उनके चेहरे खुशी से। ये कैसे आइडिया रहा है इस जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की तरफ से? जी, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की तरफ से 5 गाँव गोद लिए गए हैं और उनके लिए समय समय पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम कराए जाते हैं। वो कार्यक्रम मोस्टली MSW कराते हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। माननीय द्वारा आज उन्हें शैक्षणिक किट भी दिया गया, विश्वविद्यालय द्वारा भी शैक्षणिक किट दिया गया। हमारा दीक्षांत समारोह जो होता है, उसके पहले राजभवन से दिशा निर्देश आता है कि हमें उसके एक हफ्ते पहले से दीक्षांत सप्ताह सेलिब्रेट करना है और उसी क्रम में इन 8 विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई, जैसे चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं कहानी प्रतियोगिता। इसमें कुल 24 स्टूडेंट्स थे जिनको अवार्ड दिया गया और ये पूरे 24 स्टूडेंट्स का फिर से सेकेंड फाइनल राउंड एक प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें 3 प्रथम पुरस्कार विजेता जो थे उनको माननीय द्वारा पुरस्कृत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरिता पांडे, से हमारी बात हो रही थी कि बच्चों को भी सम्मानित किया गया और गोल्ड मेडल पाके जो चेहरे खिले बच्चों के, छात्र छात्राओं के, वाकई इस कार्यक्रम में चार चांद लग गया। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से, मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।